अमेरिकी राज्य इदाहो में आए 6.5 तीव्रता वाले भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि भूकंप से होने वाले नुकसान के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। लोगों की माने तो भूकंप के झटके लगभग 20 से 30 सेकंड तक महसूस किए गए। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया कि भूकंप का केंद्र राज्य की राजधानी बोइस के उत्तर पूर्व में एक दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्र में था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भूकंप क्यों और कैसे आता है? धरती मुख्य तौर पर चार परतों से बनी हुई है, इनर कोर, आउटर कोर, मेटल और क्रस्ट। क्रस्ट और ऊपरी मेटल को लिथोस्फेयर कहते हैं। ये 50 किलोमीटर की मोटी परत वर्गों में बटी हुई है। इन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। ये टेक्टोनिक प्लेट्स अपनी जगह से हिलती रहती हैं। जब ये बहुत ज्यादा हिल जाती हैं, तो भूकंप आता है। फिलहाल इस भूकंप से किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।